हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज भी है और जो वैसे भी बहुत जरूरी चैप्टर है, वैसे भी फॉर लाइफ कंटेनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अब कहानी ऐसी है, एक कंज्यूमर हर जगह पे कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट होता है। कंज्यूमर को हर लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गया है, हर लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड द रीजन इज, एक, ही इज नॉट अवेयर, उसे नहीं मालूम, ही इज टेकिंग अ सनफ्लावर ऑयल तो बाकी उसमें सनफ्लावर है या सनफ्लावर है उसके साथ क्या मिला हुआ है, वो जो उसके साथ मिला हुआ है क्या वो उसके लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। अगर वो पेट्रोल डलवा रहा है, इज नॉट नोन एग्जैक्टली क्या मीटर में पहले से कुछ सेटिंग करके रखा है, किसने, सेलर ने, या उस पेट्रोल के साथ भी कुछ कोई ना कोई केमिकल मिक्स किया गया है। सो इज नॉट नोन, ये उसका लैक ऑफ अवेयरनेस है, इज नॉट नोन, एंड इट इज हिज ट्रस्ट, हिज फेथ कि वो आज भी सेलर पे इतना ट्रस्ट रख के, उस पे फेथ रख के सामान खरीदता है, बट many many times is exploited, and the main reason for exploitation, as I notified you, ki consumer is not aware, kitna aware karo. Secondly, wo ye guna aur badh jata hai because wo seller pe trust kar raha hai, ट्रस्ट करने के बाद सामान खरीदता है। आज के टाइम पे भी आपने बहुत सारे कंज्यूमर्स को दुकानदार से ये कहता हुआ सुना होगा, साहब अपनी तरफ से अच्छा दिखाई, अपनी तरफ से अच्छा दिखाइए, अच्छी चीज दिखाइए, मतलब वी आर आस्किंग हिम, रिक्वेस्टिंग हिम, यू शो अस द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, वी इंसिस्टेड ऑन द क्वालिटी, वी ट्रस्टेड द सेलर कि वो हमको कुछ बढ़िया दिखाएगा। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसका मतलब ये, आई वेंट टू अ पर्टिकुलर शॉप, मैंने एक सामान खरीदा, वो सामान अच्छा नहीं निकला, मैं वापस करने गया, उसने वापस नहीं लिया, नाउ व्हाट टू डू, दैट्स माय प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम ऑफ द सेलर, बस हम दोनों की प्रॉब्लम है। आज मेरे साथ खड़े होने वाले कोई लोग नहीं है। आज अगर वो सामान वापस नहीं ले रहा, सामान खराब निकला है, और आज अगर मेरे साथ 10 लोग जुड़ जाते, 10 लोग मैं इकट्ठे कर पाता, 10 लोग हमारे साथ जाके सेलर को बोलते, भैया यू विल हैव टू टेक, you will have to take, it's a law, खराब निकला है तो लेना पड़ता, but consumer organized ही नहीं है, वो 10 को इकट्ठा कर ही नहीं पाता, 10 लोग उसको मिलते नहीं, और किसी को सुबह ऑफिस जाना है। फिर आपने बहुत दुकानों पे देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं, goods once sold will not be taken back, goods once sold will not be taken back, I am telling you, ये उस दुकानदार का बनाया हुआ लॉ है, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। अब इस इंडिया के अंदर उस दुकान का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या हमारा इंडियन लॉ चलेगा, वो अपना लॉ बना के बैठ जाता है, एंड वी हैव टू, और हमें ये मानना पड़ता है, व्हाट इज सेइंग वो मानो, इंसिस्ट करो। ऐसे एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी रिसिप्ट में लिखा होता है, फीस वन पेड, अमाउंट वन पेड, इज नॉट रिफंडेबल, अरे कहीं को रिफंडेबल नहीं, आई हैव पेड, आई वांट माय रिफंड बैक, इट्स अ इंडियन लॉ कि अगर आप सर्विसेज कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन गेट अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिफंडेड, बट ना हमें मालूम है, ये उसका बनाया हुआ लॉ है, वो फिर दिखाता है, देखिए मैंने तो लिख के रखा था, आपको लिख के दिया हुआ है, अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड, हम मान जाते हैं, लिखा हुआ है विल नॉट बी रिफंडेड, बट ये अगेन उसका बनाया हुआ लॉ है, हमारे देश का संविधान नहीं है। ऐसे कस्टमर को बहुत जगहों पे चीट किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक कंज्यूमर एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसमें राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई एक कंज्यूमर को। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो पहले कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे, डिफाइन अ कंज्यूमर, who is a consumer, so any person who buy the goods or buy the services, he is taken as a
कंज्यूमर गुड्स कोई भी हो, वेदर ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, कंज्यूमेबल गुड्स हो, कस्टमर खुद के लिए बाय करे या किसी और के लिए बाय करे, ही इज टेकन एज अ कंज्यूमर। आगे चलते हैं, व्हाट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो मेन डिफरेंस जिस पे हमको कंसंट्रेट करना है वो ये, गुड्स को तो आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, गुड्स को तो आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, पड़ा हुआ है आप गुड्स उठा के देखिए, बट सर्विसेज को हम कैसे फिजिकली वेरीफाई करें। आई विल गेट एक इंसान हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाएगा, आप सर्विसेज को देखेगा, नाउ ही विल एक्सपीरियंस द सर्विसेज, जो कहा था वैसी सर्विसेज हैं या नहीं है। तो गुड्स को तो हम फिजिकली एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, सर्विसेज को एट द टाइम ऑफ परचेज, एट अ टाइम ऑफ परचेज हम फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाते। इसलिए सर्विसेज के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे सेलर्स ऐसा कहते हैं, भैया 1 ईयर वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी, बट अब आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है, वारंटी की बात आती है, जो कहा होता है फिर वो फुलफिल नहीं करते। अगेन वी आर एक्सप्लॉइटेड। आगे चलते हैं, एज अ नोटिफाइड यू, ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट क्यों किया जाता है। तो बेसिक फर्स्ट रीजन इज, ये जो सेलर है इट ऑलवेज वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वो हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए वो चीजों में मिलावट भी करता है, थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देता है। क्या दे रहा है, कस्टमर अवेयर नहीं है, वो एट द मैक्स सेलर पे रिलाई कर सकता है, उस प्रोडक्ट की पैकिंग पे रिलाई कर सकता है। नेक्स्ट इज, कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, सेलर ऑल्सो नो, अगर मैंने इसका सामान वापस नहीं लिया, पैसा वापस नहीं दिया, इंफीरियर क्वालिटी का गुड था, मैंने मना ही कर दिया, मैं तो को जानता ही नहीं, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट ऑर्गेनाइज। इसकी एक लॉ की जरूरत थी। आगे लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा आई नोटिफाइड यू, कस्टमर को इतना अवेयर नहीं है, बल्कि ये गेट कंफ्यूज, आप उसके सामने 4 गुड्स रख दीजिए ऑफ अलग अलग प्राइजेस, ही गेट कंफ्यूज, कौन सा लू, किस कंपनी का लू, सो ही इज less aware of the particular quality of the products. आगे फिर एक word बहुत important term हमारे पास आएगा, इसको बोलते हैं consumerism. Consumerism वो कोशिश है, वो movement है कि बहुत हो गया अब सेलर्स का अत्याचार, बहुत एक्सप्लोइट कर लिया अब सेलर्स ने कंज्यूमर्स को, अब जागो ग्राहक, जागो का वक्त आ गया, कंज्यूमर इज नाउ अवेयर, नहीं तो उसको अवेयर करवाइए। बहुत सारे एनजीओज आपस में इकट्ठी हो गई, सो नाउ द मूवमेंट, या व्हेन द मूवमेंट गेट स्टार्टेड, एक मूवमेंट की स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस डन बाय द बिजनेस हाउसेस, उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं कंज्यूमरिज्म। ये सब चीजों को देखते हुए सरकार ने एक नया लॉ बनाया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लॉ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, लॉ को बहुत सिंपल बनाया, लॉ को बहुत अप्रोचेबल बनाया, लॉ को बहुत इनएक्सपेंसिव बनाया, बहुत लॉ से अलग हटके बनाया कि कंज्यूमर, उनको बोला गया अरे भैया अगर आपको लूटा गया है, भले आप 5 रुपए महंगी चीज मिली है, जस्ट 5 रुपीज, फाइल द केस, आप केस फाइल अप करें, आप कोर्ट तक पहुंचें, कोर्ट में पुकार करें, कोर्ट को इसकी जानकारी दें। इतना सिंपल प्रोसेस नहीं चाहिए आपको लॉयर, आप खुद नहीं आ सकते तो किसी और को भेजिए कंप्लेन करने के लिए, आपको ऑफिस जाना है बट कंप्लेन करिए, नो लॉयर रिक्वायर्ड, नो मोर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड, कोई बहुत बड़े फाइलिंग चार्जेस नहीं आएंगे, आपको बहुत सिंपल वे में कोर्ट का, कंज्यूमर कोर्ट को ऐसा लुक भी नहीं दिया गया कि आपको बहुत बड़ा कोर्ट का डर पैदा हो, कुछ बहुत सिंपल इंफ्रा दिया गया ताकि आप कुछ भी करके एक दफा कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंचिए, आपका पहुंचना ही सेलर्स को इंडिकेशन होगा कि नाउ कंज्यूमर इज अवेयर, नाउ ही इज गोइंग टू फाइट बैक। अब आता है इस लॉ के अंदर कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिली हैं और कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जहां राइट्स हैं वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सबसे पहला कंज्यूमर की राइट है राइट टू सेफ्टी, राइट है राइट टू सेफ्टी,
उसको कोई भी ऐसा गुड ना खरीदा जाए, ना वो खरीदे, ना दिया जाए जिससे वो इंजर हो जाए, जिससे उसको इंजरी हो, जिससे उसको कोई फिजिकली या मेंटल कोई भी नुकसान हो। उसकी राइट टू सेफ्टी है। कोई भी गुड खरीद के इफ ही गेट फिजिकली इंजर और इवन मेंटली ही इज डिस्टर्ब बाय परचेजिंग दैट गुड, देन इट इज हिज राइट to file a complaint, it's his right to take action against the seller. Next is, it's a right to be informed. Right to be informed, ठीक है, उसने गुड ऐसा खरीदा, माल खरीदने के बाद वो उससे उसको इंजरी हुआ, वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज था, इलेक्ट्रिक करंट लीकेज था, अल्टीमेटली गॉट अ शॉक, उसे करंट लगा, उसे शॉक लगा, तो इट्स सेकंड है राइट टू बी इंफॉर्म, वो इंफॉर्म करे। और दूसरा राइट टू बी इंफॉर्म, राइट टू बी इंफॉर्म का अंदर आपको ध्यान देना है कि उसकी हर राइट बनती है, उसकी राइट है कि सेलर, राइट है कि सेलर एक कंज्यूमर को इंफॉर्म करे, पहले से इंफॉर्म करे। ये शॉक लगे ही क्यों, अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द क्वांटिटी, अबाउट द प्राइस, अगर कोई डाउट्स है तो अबाउट ऑल द डाउट्स दैट नीड टू बी क्लेरिफाइड बाय द सेलर टू द कंज्यूमर उसके बिना मांगे। अगर आप डॉक्टर सॉरी केमिस्ट के पास एक प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं तो केमिस्ट की ड्यूटी है टू इंफॉर्म यू, ये दवाई भले डॉक्टर ने बताई है कि दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, बट इट्स अगेन द ड्यूटी ऑफ अ फार्मासिस्ट, अ ड्यूटी ऑफ द केमिस्ट शॉप कि वो आपको इन्फॉर्म करे ये दवाई सुबह लेना, ये खाने के बाद लेना, ये खाने से पहले लेना, ये दूध के साथ लेना, ये गर्म पेट लेना, ये गर्म पानी के साथ लेना और ये खाली पेट लेना, दैट इज द राइट दैट ही हैज टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट इज द राइट टू चूज, राइट टू चूज, अगर आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इट्स योर राइट दैट इट शुड बी, यू हैव अ राइट, आपको कोई सेलर इंसिस्ट ना करे, कोई सेलर आपको फोर्स ना करे, ना कोई एड के थ्रू आपको इंसिस्ट किया जाए गो फॉर दिस वेरी प्रोडक्ट, यू आर फ्री टू चूज अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट इज अ राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड के अंदर इट्स योर राइट, इट्स योर राइट, अगर हमने कोई गुड खरीदा, खरीदने के बाद भगवान ना करे एक इंजरी हुआ, वो गुड खराब निकला, वो सर्विसेज जैसे की कही गई थी मुझे वो सर्विसेज वैसे नहीं दी गई, अब राइट टू बी हर्ड, अब मैं जाऊं अगर कंप्लेन करूं तो इट्स माय राइट, मुझे कोर्ट बहुत इज्जत के साथ और पूरे तरीके से मेरी कंप्लेन को सुना जाए। ओके okay? अब मेरी कंप्लेन को सुन लिया कोर्ट ने, बात खत्म नहीं, खत्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, आपने मेरी बात को सुना, आपने मेरी कंप्लेन को सुना, थैंक्स टू यू, नाउ सॉल्यूशन, मेरी कंप्लेन को सुना, नाइदर कंपनसेट मी फॉर दैट लॉस, जो मुझे लॉस हुआ वो उसके लिए मुझे कंपनसेशन दिलवाओ, ये गुड को सेलर को बोलो वापस ले, मुझे मेरा पैसा वापस दे, मुझे अगर लॉस हुआ तो लॉस का कंपनसेशन दे, राइट टू बी रिड्रेस, एक्शन लिया या नहीं लिया। बट ये सब चीजें की नौबत आई क्यों, क्यों मुझे सुनाना पड़े, क्यों मुझे रिड्रेसल में जाना पड़े, क्यों आई शुड आस्क फॉर द कंपनसेशन, अगर कंज्यूमर को आप पहले ही इतना अवेयर कर दो कि वो जाए सेलर से ना पूछे ये कैसा है, सेलर को बताए ये गुड बेचने खरीदने जैसा है, ये गुड खरीदने जैसा नहीं है, बल्कि ये गुड तू बेचा भी मत कर, he should be made aware. So, right to consumer awareness, right to consumer awareness, consumer should be that much aware, he should be made that much aware, it is right कि ये सब चीजों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। Once the consumer is made aware about the quality, about the quantity, he is aware himself about the quality, about the quantity, then these things won't even occur. ये कुछ होगा ही नहीं। जब rights हैं, तो उसकी responsibilities भी हैं। सबसे पहला responsibility है right to self help, पूरे right to self help, पूरे तरीके से आप seller पे dependent मत हो जाओ। भैया show me the best. You should be aware, अपने आप को सेल्फ हेल्प करो, एटलीस्ट इतना नॉलेज प्रोडक्ट का लेके जाओ, उस ब्रांड का लेके जाओ, ताकि आप ब्लाइंडली सेलर पे डिपेंड ना होइए। यू शुड हैव द, आप जब जाइए कुछ सामान खरीदने के लिए, गेट योर सेल्फ प्रिपेयर, दो चार जगहों से पूछ के जाइए, हर जगह से पूछ के खरीदिए,
कुछ पढ़ के खरीदिए, कुछ समझ के खरीदिए, ताकि ब्लाइंडली आप सेलर पे ट्रस्ट ना करके खरीदिए, अपने आप को सेल्फ हेल्प करें। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। बिल पक्का लें, कैश मेमो पक्का लें, भले वो दवाई 2 रुपए की हो, आपने एक ही दवाई ली हो, एक ही गोली ली थी, जस्ट मेरली फॉर 2 रुपीज, इंसिस्ट गेट मी द कैश मेमो, मुझे बिल दो। एंड इट्स अ ड्यूटी, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन ले, कैश मेमो और बिल लें। नेक्स्ट इज प्रॉपर क्लेम। अब यहां पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लेम करें, कोर्ट में केस करें, बकायदा केस करें, सेलर ने एक्सप्लॉइट किया है, सेलर ने इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड बेचा है, आपको बेचा, कल को आगे दूसरे को ना बेचे, आप कोर्ट में केस करें, प्रॉपर क्लेम करें, प्रॉपर क्लेम करें, ज्यादा भी ना करें। एक ऐसा क्लेम ना रख दें जो मालूम है वो दे नहीं पाएगा, एक ऐसा क्लेम ना रख दें जो नाजायज है। आपको उतना क्लेम चाहिए जितना बेसिकली आपको इंजरी हुआ, जितना इंजरी हुआ आपने वो कंपनसेट कर लिया, थोड़ा ज्यादा ले लिया, ओके। बट ऐसा इसको खेल ना बना दें कि आप इस लॉ का मिसयूज ना करें, तो प्रॉपर क्लेम। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर प्रोडक्ट, प्रॉपर प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज। हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल आता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, डू एंड डू नॉट्स की लिस्ट होती है। अब उसमें डू नॉट्स को डू ना कर दें, उसमें लिखा था ऐसे यूज ना करें, आपने वैसे ही यूज किया जैसे यूज नहीं करना चाहिए था, गुड खराब हुआ, आप ले गए सेलर के पास, कंपनी के पास, ये छुपा दिया कि आपने कैसे यूज किया था, आपने क्या किया था, ये कुछ ना रिवेल करते हुए उल्टा आपने उसके ऊपर एक क्लेम लगा दिया, एक हर्जाने का केस फाइल कर दिया, उसको डिफेम करने की कोशिश की, तो ऐसा भी ना करें। बकायदा सबसे पहले प्रोडक्ट को वैसा ही यूज करें जैसा उसके मैनुअल्स के अंदर लिखा हुआ है, डू एंड डू नॉट्स को पढ़ के यूज करें। सो दिस वाज अ चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आएगा बहुत एक्सप्लोरेटिव टर्म्स में, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली, या व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थैंक यू।